मधुपुर उपचुनाव में भाजपा के सिटिंग विधायक राज पालीवार को टिकट नहीं देने के बाद से ब्राह्मण समाज भाजपा से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। पहले चुनाव से कन्नी काटना और इसके बाद ठीक चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन होना कहीं ना कहीं मधुपुर चुनाव की ओर इशारा कर रहा है। सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों की एकता और उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की गई। इस सम्मेलन की शुरुआत सारठ के पूर्व विधायक चुनना सिंह, कांग्रेस से संयुक्त बिहार में पूर्व मंत्री रहे कृष्णानंद झा, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर और भाजपा से पिछली सरकार में मधुपुर विधायक के तौर पर मंत्री रहे राज पालीवार भी मौजूद थे। सम्मेलन के बारे में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों में भी एकता बनाने का। उन्होंने कहा कि यह बैठक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, चाहे वह कोई भी ब्राह्मण हो, उसे एक मंच पर लाने के लिए किया गया है। देवघर से गुड्डू झा की रिपोर्ट। जो राज्य में, देश में, जिले में, हर जगह ब्राह्मणों को उपेक्षित किया जा रहा है, वो इस व्यवहार से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ब्राह्मण की एकता के लिए हम लोगों ने एक बैठक आहूत की है और यह बैठक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की एकता, जिसमें कि सभी प्रकार के ब्राह्मण, चाहे जो भी है, भूमिहार ब्राह्मण हो, बंगाली ब्राह्मण हो, या मैथिल ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण, या अन्य जितने भी प्रकार के ब्राह्मण है, सभी की एकता एक मैसेज होना चाहिए कि हम सब भी एक हैं। क्योंकि आज जिस तरह से जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी आधार पे हम लोगों ने ऐसा एक सिर्फ अपने समाज की, अपने ब्राह्मण समाज की एक बैठक आहूत की है, जिससे यह मैसेज जाना चाहिए कि हम भी एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं। हम पुरोहित हैं, हम ब्राह्मण हैं, और हम हर तरह के कर्म कांड को करने वाले लोग हैं। आपको हर हमेशा हमारी आवश्यकता है, समाज को, देश को, राज्य को। कृपया हमें अपमानित न करें, हमें शोषित न करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।